अंदर अरे इधर आए यहाँ पे साई लॉक पकड़ो लॉक पकड़ो हाँ अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिजवाना बेगम है और मेरे भाई के घर में ऐसा हादसा होगा। मेरे को फोन आया तो मैं ही गई, तो कहाँ पर है भाई आपके? मेहनीपट्टनम पे, यहीं छह मेहनीपट्टनम के अंदर है। वहीं पीएस को आके वो बोली करी, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में हूँ मैं। ऐसा बात करने को आए करे तो ना बच्चे को पकड़ेगा, तो वो बच्ची को भी ला ली, ये कर लिए। वो रेप का रेप बोल के वो बच्ची बोरी, अब ऐसा ऐसी की बात ऐसी है बोल के इशारों से बोरी, समझो बच्ची आता, बच्ची को बात करना नहीं आता। अच्छा, हाँ दो तीन वक्त है ना, ऐसी इशारे वो कर रहा था करते, तो घर के लोग बात करे यही, वो बच्ची को कहीं को इशारे वो कर रहा बोले तो बराबर बैठता हूँ मैं, बराबर ठहरता हूँ मैं बोल के बोला करते घर का नहीं। हाँ तो क्या घुस गए घर में, घुस के बच्ची को अंदर टॉयलेट में पकड़ लेके खींच लेके चले गए करते। हाँ घंटे के बाद निकले तो बच्ची छोटी बच्ची देखी करते जाके, नहीं है चाची कहाँ है कि कहाँ है चाची बोले तो टॉयलेट में है, खिड़की पे चढ़ के देखे तो दोनों है ठेक थे। गुंगा है, बच्ची भी गुंगी है, शादियों के 5 साल हो रहा है इन लोगों की, एक बच्ची भी है इन लोगों को। कितने साल की है बच्ची? 3 साल की है। मदद चाह रहे, वो ऐसा रहा तो कैसा, गुंगे बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे आजकल, ऐसा रहा तो कैसा होगा, कैसा जीना। हाँ अल्लाह ताला गुंगे बना के भेजा तो भी ये परेशानी है। जबान रहती तो बच्ची कुछ मारती थी, पकड़ती थी, चीखती थी, जबरदस्ती घुस गया बच्चा। हाँ जबरदस्ती घुसा, उन्हें दो तीन वक्त से ताक में था कहते उन्हें, अब इंसाफ अच्छा करो उनसे, कब से पुलिस वालों साहब से सबसे। माँ भी थी वो नहीं है, बच्ची की माँ भी लंगड़ी है, उसको आता नहीं, बात करने नहीं आता, चलने नहीं आता, उन्हें भी भीख मांग के खाना वो खा लेते कर लेते, वो बोल के हमने बच्ची को कर ली है ये शादी। गुजारिश करते हैं ज़रा अच्छा एक्शन लो बच्ची है, उसको कैसा करते क्या करते, अब आप लोगों को मालूम है, इंसाफ आप लोग ही दिलाने वाले हैं। मेरा नाम रिजवाना बेगम है। बच्ची क्या होना? मैं फुप्पू सास होना, फुप्पू बोले तो मैं माँ बन के वो बच्ची की शादी करी भैया। आपको क्या हो रहा है तुम्हें? उन्होंने मेरे को भतीजे की बीवी होना, मेरे भतारी मैं। तो सदर मजलिस बारिशाह सऊद यूनिवर्सिटी साहब की हिदायत पर और जनाब जाफ़र हुसैन मेहरा साहब की नुमाइंदगी में मुझे इतला मिली हुमायूं नगर से। हमारे इफ्तदाई सदर नवाज़ साहब और इफ्तदाई सदर जाहिद साहब ने मुझे इतला दी कि यहाँ पर हुमायूं नगर में एक लड़की जो डम है उसको एक साई नामी लड़का बाथरूम में 2 घंटे से बंद कर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, और बच्ची का नाम समरीन बेगम है। तो मैंने फौरन वहाँ पर पहुँच कर CI हुमायूं नगर से रابطہ किया और हुमायूं नगर SI विनोद कुमार आकर हम उसके घर से उस बच्चे को छुपा दिया गया था, हम वो बच्चे को अरेस्ट किए और हुमायूं नगर को लेकर आए और बच्ची को भी यहाँ हुमायूं नगर लेकर आए, और इंशाल्लाह यहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद FIR, अभी FIR तो बुक करा रहे हैं हम, और इंशाल्लाह मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद चार्जेस फ्रेम कर वो साई नामी लड़के को हम रिमांड करवाएंगे। बच्चा हुमायूं नगर का रहने वाला है और ये जो समरीन बेगम है उनके घर के बिल्कुल सामने रहता है ये बच्चा, और काफ़ी हफ्तों से जो है 5 महीने से तकरीबन जो है मुसलसिल हरासमेंट कर रहा था एरिया में, और जहाँ भी ख़वातीन थे
वहाँ पर जाना, बैठना, उन लोगों को छेड़ना, ये ईव टीजिंग का काम मुसलसिल 5 महीने से चल रहा था। और आज जो है घर पर कोई भी नहीं रहने की वजह से, गांधी हॉस्पिटल में है उनके वालदा, उन लोग तो उसका फ़ायदा उठाकर ये लड़का घर में घुस आया। और लड़की डम रहने की वजह से, गूंगी रहने की वजह से वो किसी को इतला नहीं कर सकी। बाद में जो है तकरीबन 2 घंटे के बाद जब बच्ची नहीं दिख रही थी घर में, तो उनके घर वालों ने ढूंढा तो देखा कि बाथरूम में बच्ची को बंद कर लिया था। ये कितने दिनों से चल रहा था? ये लड़का जो है 5-6 महीने से चल रहा था, नहीं कर रहा था उन्हें। ये लड़का जो है साई नामी लड़का तकरीबन 4-5 महीने से जो है ऐसी ईव टीजिंग का काम कर रहा था, छेड़म छाड़ी इनके साथ और कई लड़कियों के साथ गली में कर रहा था। तो आज हॉस्पिटल में रहने की वजह से मौका मिला उसको, घर पर कोई नहीं थे, और बच्ची का फ़ायदा उठाया, क्योंकि बच्ची जो है गूंगी है, उसका फ़ायदा उठाकर उसने घर में घुसाया। तो ये शाम में तकरीबन 9 बजे के टाइम पर हुआ। मैंने हुमायूं नगर CI से रابطہ किया और उन्होंने तवक्कुन दिया है कि इमीडिएट उसको FIR कर रिमांड करेंगे। इंशाल्लाह हम भी मेडिकल एग्जामिनेशन को लड़की को भिजा रहे हैं। लड़की के जेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सिकंदर साहब, उनके और एक जो है फ़हीम साहब, यहाँ पर सब मौजूद है, कलीम साहब, सब मौजूद है। इंशाल्लाह हम इसका फॉलोअप करेंगे और बराबर हम देखेंगे कि इनको इंसाफ मिलेगा। लड़की शादीशुदा है और एक बच्ची है उनकी, और 24 साल की लड़की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम है, मैं हुमायूं नगर में रहता हूँ। मेरे घर के पास जो है ना साई नाम का बच्चा है, 5-6 महीने से जो है ना रिकवर कर रहा था हमारे को। 5-6 महीने बैठ के देखते रहता था, कई वक्त वार्निंग दिया था मैं उसको, भैया ना को बैठो, चीज़ नहीं है घर में, लेडीज़ रहते आप मत बैठो, देखो आप बोलते हो। फिर बराबर अम्मा को जो है ना वो करके बैठता था उन्हें सीट पे। उसकी अम्मा को भी कई वक्त बोला आपका लड़का यहाँ बैठना अच्छी चीज़ नहीं है, अंदर अंदर बुला लो उसको, या कहीं आजू बाजू किधर भी जाके बैठ जाओ बोलो। बोल तो नहीं नहीं मेरा बच्चा इधर ही बैठता, तू क्या करता, तू कर ले, तू बोल के बोले थे उन्हें पर। अब जो है ना मैं जो है ना हॉस्पिटल में बिजी हूँ, बोलते हमारे वालदा एडमिट है, दिमाग का प्रॉब्लम है उनको, तो हॉस्पिटल में गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एडमिट है अभी इस वक्त। तो जो ना मुझे मौका हॉस्पिटल में थे, वो सिलसिले में हॉस्पिटल में थे, उन जो है ना क्या करा बोलते, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने फ़ायदा क्या उठाया बोले तो, अब घर में कोई भी नहीं है, ये अच्छा मौका है। हमारे घर के सामने एक गेट है, मेरे घर में 1, 2, 3 दरवाजे हैं, एक बड़ा गेट है, 2 दरवाजे हैं। तो वो दरवाजे गेट के अंदर सामने एक वाशरूम है, बाथरूम है बड़ा। ये वाकया बराबर 8:30-9 के दरमियान में फ़ोन आया मेरे को, अटेंड ये 5-6 महीने से है, 5-6 महीने से हो रहा। आपके फोन हो रहा? मेरे भाई के वाइफ है, मैं जेट उनका, बच्ची गूंगी है, बच्ची गूंगी है, गूंगी का तो बहुत फ़ायदा उठाया मेरे को, तो इंसाफ हो रहा मेरे को, बस मेरे कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को। जो है ना मेरे भाई की बीवी खासी साहब को मैं फ़ोन करा, खासी साहब 5 मिनट में आके जो है ना ये मसले को देखे, कॉपरेट करे, मेरे को इसका इंसाफ चाहिए भाई, और कुछ भी रखो, मेरा भाई भी गूंगा है। शादीशुदा थी, हुकूमत से क्या चाह रहे हैं भाई? करा हमारा भाई भी गूंगा है, भाई भी गूंगा है, दोनों भी गूंगे हैं, बस ऐसे मसला है ये। सुने मैं पहले में साई की अम्मा भी जो है मारे, साई की अम्मा, साई की बच्ची की, बच्ची की साई। अगर मैं कोसा एरिया का नाम बोलिए जरा, मेहदी पटलम, हुमायूं नगर, हुमायूं नगर आता है इधर, गली का नाम एमएलए साहब के ऑफिस के बिल्कुल लेफ्ट साइड गली में है, एमएलए साहब के जस्ट ये था राइट मूर्ति के लेफ्ट में घर है मेरा, एमएलए साहब अभी नहीं करा साहब, मैं इधर अकेला आदमी हूं, घर में बिजी हूं। कंप्लेंट अभी साहब आने के बाद कंप्लेंट हुआ, खास साहब आने के बाद हुआ कंप्लेंट, आर्बिटर कासिम साहब आके, आर्बिटर कासिम साहब आके जो है ना 5 मिनट में जो है ना वो करी। मैंने कहा अच्छे से साहब क्या आपको तसल्ली थी, फिर इंसाफ होना, मेरे इंसाफ होना साहब, मेरे इंसाफ होना, दोनों भी गूंगे हैं। अब मेरा भाई तो बोला थोड़े दिन पहले साई की वाल अम्मा जो है, इससे पहले कोई भी नहीं देख के मारी मारी भी उनको, बोलिए क्या बोले।